तो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हैलोजेन कंपाउंड तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करने के लिए कहा था सोचने के लिए देखिए द आंसर टू दिस फर्स्ट पार्ट दैट इज एडिशन ऑफ क्लोरीन टू के आई सोल्यूशन गिव्स अ ब्राउन कलर बट एक्सेस ऑफ क्लोरीन टर्न्स इट कलरलेस तो इसमें क्या होता है क्लोरिन जो कि एक स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू आयोडीन ये पहले को I2 में करेगा, के आई को आई टू में ऑक्सीडाइज करेगा ठीक है जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है सोल्यूशन में एंड जब हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन पास करते हैं तो जो आई टू जो बनेगा इट गेट्स फर्दर ऑक्सीडाइज टू एच आईओ थ्री विच इज कलरलेस तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको पता है तो आप इसको लिख पाओगे अदरवाइज डायरेक्टली आप सोचो कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है तो दैट इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है तो दैट इज वायर नोट इट डाउन फिर एक और पार्ट है सेकेंड पार्ट एच सी एल ओ फोर इज अ स्ट्रांगर एसिड एच टू एस ओ फोर अब ये एक तो आप इसकी पीके ए वैल्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हो दूसरा सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स में और क्लोरीन क्लोरिन प्लस सेवन में यहां पे प्रेजेंट है और एच पॉजिटिव लूज करने के बाद जो कॉन्जुकेट बेस बनेगा सीएलओ फोर माइनस और यहां पे एच एस ओ फोर माइनस इनमें सीएलओ फोर माइनस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है कंपेयर टू सल्फर जाएगा तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज चार ऑक्सीजन पे दैट इज फाइन बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है तो दैट इनक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एच सी एल ओ फोर ठीक है क्योंकि एच आई एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये एच टू सो फोर को एसओ टू में रिड्यूस कर देगा ठीक है एंड देन देर आर सम मोर होमवर्क प्रॉब्लम जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन देन क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर देन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन कुछ आपको प्रीवियस टॉपिक से भी हो सकता है रिलेटेड मिले देन क्वेश्चन नंबर एट तो ये प्रॉब्लम्स आपने ट्राई करनी है और इसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देना आपको ठीक है सॉल्व करने का मतलब कि याद करना उनको देखो उसका रीजनिंग है तो रीजनिंग अच्छी बात है नहीं है तो डायरेक्टली उनके आंसर्स याद करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल है आपको पता हो नहीं हो इसके कोई खास कॉम्पिटेटिव में यूजेज आई डोंट थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्पिटेटिव के लिए तो इन जनरल अगर हम सीएलओ की बात करें तो सीएलओ इज फाउंड इन अपर एटमोस्फेयर एंड इज अ की स्ट्रेटोस्फेरिक स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ओजोन डिप्लीशन ओजोन होल इज मेन कॉम्पोनेंट तो ये एक की कॉम्पोनेट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो अपर एटमोसफेयर में आप बोलते हो कि जो यूवी लाइट है सीएल टू ब्रेक डाउन होगा टू क्लोरिन रेडिकल क्लोरिन ओजोन के साथ कंबाइन करके सीएलओ बनाता है तो दैट एक्सप्लेन दिप्लीशन पर यह कहा होगा मेनली अपर एटमोसफेयर में एंड इज अ येलो गैस दैट कंडेन्स टू अ डीप रेड लिक्विड एट इलेवन डिग्री सेल्सियस सीएलओ टू और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है बट इट हैज नो टेंडेंसी टू डायमराइज क्योंकि जनरली आप देखते हो कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है वो डायमैग्नेटिकलाइज होने के लिए डायमराइज कर जाती है बट इट डेव अ टेंडेंसी टू डू दैट एंड सीएल फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प टू मेक वाइट पेपर तो क्लोरिन से बेटर अल्टरनेटिव है सीएलओ टू आप नेक्स्ट आते हैं फॉर अ क्विक रिकैप की थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स अब तक पड़े इस चैप्टर में एसिड स्ट्रेंथ की बात करें तो एच आई एच बी आर एच सी एल एच एफ डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिटी बढ़ती है देन पे आयोडाइड वाला ज्यादा ज्यादा क्यों नहीं था क्योंकि यहां पे एच डायरेक्टली आयोडीन से बॉन्डेड है तो बॉन्ड लेंथ की वजह से एसिडिटी आ रही है यहां पे एच हेलोजन के साथ बॉन्डेड नहीं है इनमें यहां पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है तो हेलोजन का जो पर्पज है वो उसके विदड्राइंग इफेक्ट के बेसिस पे हम एसिडिटी डिफाइन करेंगे जितना स्ट्रॉन्ग उसका माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी एसिडिटी बढ़ाएगा और जो उसके ऑक्सी एसिड्स हैं उनमें जितनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देन द ऑक्सीजिंग पावर तो हेलोजन का एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू ये पड़ा हुआ है पर अगर आप इसके पर हेल आयन देखें बी आर ओ फोर नेगेटिव देन आईओ फोर नेगेटिव सी एल ओ फोर नेगेटिव तो दैट इज एज पर देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल

yes, तो इसको हम डायरेक्टली एनसीआर से ही करेंगे क्योंकि इसपे ज्यादा इन्फॉर्मेशन काम की नहीं जितना एनसीआर ने दिया उतना और कुछ एडिशन थोड़ी बहुत चीजें हम पढ़ेंगे उसके बाद देखिए इंटर हेलोजन कंपाउंड जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा है कि दो हेलोजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं एक्स और एक्स डैश वेन टू डिफरेंट हेलोजन रिएक्ट विद ईच अदर द इंटर हेलोजन कंपाउंड आर फॉन्ड ठीक है तो इनको जनरली एक्स एक्स डैश एक्स एक्स थ्री डैश एक्स एक्स फाइव डैश और एक्स एक्स सेवन डैश इस तरह से डिनोट करेंगे वेयर एक्स इज हेलोजन ऑफ लार्जर साइज तो जो बड़े साइज का हेलोजन है वो एक एक ही उसका एटम होगा और जो छोटे वाले साइज का हाइड्रोजन सॉरी हेलोजन है वो एक तीन पांच सात मतलब मल्टीपल नंबर्स में जो छोटा हेलोजन होगा दैट विल बी प्रेजेंट एन एक्स इज मोर पॉजिटिव जो सिंगल एटम है वो ज्यादा पॉजिटिव मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हेलोजन होगा कंपेयर टू एक्स डैश एंड एज द रेशियो बिटवीन द रेडिया जैसे रेडियस का डिफरेंस बढ़ता जाएगा मतलब एक्स एक्स डैश में जब एक्स डैश छोटा होता जाएगा तो उसके नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे क्योंकि एक बड़े एक्स एटम के राउंड काफी सारे छोटे एक्स डैश हम लगा सकते हैं तो जितना इनके बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ एक्स डैश को आप उसके राउंड अरेंज कर पाएंगे या उतना ही आपको एक्स एक्स थ्री एक्स एक्स फाइव एक्स एक्स सेवन इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे ठीक है तो दस आयोडीन जो कि सबसे बड़ा है हेलोजन में और उसके साथ अगर आप कंबाइन करें सबसे छोटे वाले हेलोजन को दैट इज फ्लोरिन तो वो कंपाउंड बनाता है आई एफ सेवन तो मैक्सिमम सात नंबर ऑफ हेलोजन ही उसके अराउंड आ सकते हैं इंटर हेलोजन में और ये आई एफ सेवन में ही बनता है आप सोचोगे कि बी आर एफ सेवन जैसा बन जाएगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ब्रोमीन और फ्लोरिन के साइज में उतना डिफरेंस नहीं है और सेकेंडली एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि फ्लोरीन जनरली दूसरे एलिमेंट्स में उनकी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ले आते हैं इजीली क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत स्ट्रांग है तो आयोडीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन में एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज इन पार्ट आल्सो ड्यू टू फ्लोरीन के फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है बात करते हैं प्रेपरेशन की तो ये जो एनजीआर रिएक्शन दे रखे हैं दे कैन बी प्रिपेड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड जैसे डायरेक्टली हो गया सी एल टू और कंबाइन करके टू सी एल एफ आई टू और क्लोरिन एक्सेस में लेने पे आई सी एल थ्री सी एल टू और एफ टू को एक्सेस में लेने पर सीएल थ्री तो देखो इक्वल वॉल्यूम में लेंगे तो क्या है और डिस लेंगे मतलब अलग अलग वॉल्यूम में लेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड ये भी आई टू और सी एल टू को लिया तो सिर्फ आई सी एल सी एल टू एक्सेस में लिए तो आईसीएल थ्री बी आर टू और एफ टू डायल्यूटेड विद वाटर तो बी आर एफ थ्री और बी आर टू और बी आर एफ फाइव ठीक है तो ये हो गया ये तो उन्होंने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वाले ही रिएक्शन यहां पे दिखे बट ये जो लोअर इंटर हेलोजन है उनसे भी ये बन सकता है तो लोअर इंटर हेलोजन का मतलब हो गया कि आप कुछ इस तरह के रिएक्शन देखो जैसे कि सी एल एफ प्लस एफ टू ये भी सीएलएफ थ्री बना लेगा सी एल एफ ऑलरेडी इंटरहेलोजन है लोअर इंटरहेलोजन है ये ठीक है उसी तरह से सी एल एफ थ्री प्लस एफ टू अगर एक्सेस में लेते हैं हम तो हीट करने पे इट गिव सी एल एफ फाइव तो इस तरह के लोअर इंटरहेलोजेंस से भी हम बना सकते हैं देन कम देयर टाइप फॉर्मूले फिजिकल स्टेट एंड कलर इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है ये सारी की सारी जो शेप्स हैं इनके स्ट्रक्चर्स हैं ये आप केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस तरह से उनको शेप असाइन करनी है जिमेट्रीज हमने डिस्कस की हुई है तो टेक वन और टू मिनट्स एक बार पॉज करके ये खुद देखो अच्छा ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है ऐसा होता है ये याद ही करना है स्ट्रक्चर आप एनालाइज कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग वेस्पर थ्योरी से बट बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल स्टेट और कलर वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा नेक्स्ट दीज आर ऑल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और सारे के सारे डायमैग्नेटिक है जस्ट लाइक नॉर्मल हेलोजन सी एल टू एफ टू बी आर टू दे आर डायमैग्नेटिक ठीक है तो इंटर हाइलोजन भी सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं दे आर वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स एक्सेप्ट सी एल एफ सी एल एफ इज अ गैस एट टू नाइन एट कैलविन एंड देर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट हेलोजन जैसे कि सी एल एफ बना तो ये सी एल टूर एफ टू से मिलकर बना तो बोल रहे कि जनरली इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों जिन हेलोजन से मिलकर बन रहे उनके इंटरमीडिएट हैं ठीक है एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर अ लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड क्योंकि उनमें थोड़ी सी पोलैरिटी है तो थोड़ा सा हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाएंगे देन देयर केमिकल रिएक्शन कैन बी कंपेयर विद इंडिविजुअल हेलोजन जैसे कि आई बी आर है तो आई टू और बी आर टू से मिलकर बना तो इनके केमिकल रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आई टू और बी आर टू के कंपेरिजन में ज्यादा रिएक्टिविटी आएगी इन जनरल हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरिन आई बी आर की रिएक्टिविटी आई टू से भी ज्यादा होगी बी आर टू से भी ज्यादा होगी पर फ्लोरीन से कम होगी बिकॉज फ्लोरीन अपनी लेस बॉन्ड एनर्जी की वजह से बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है ठीक है तो इंटरहेलोजन कंपाउंड फ्लोरिन को छोड़कर बाकी हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे दिस इज बिकॉज डैश बॉन्ड इन इंटर हेलोजन ज वीकर देन द एक्स एक्स बॉन्ड इन हेलोजेंस एक्सेप्ट एफ टू एंड ऑल दिस अंडर गो हाइड्रोलिस गिविंग हेलाइड आयन डिलाइड फ्रॉम द स्मॉलर हेलोजन ये आगे हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा तो डिटेल में देखेंगे इसको तो ये प्रॉपर्टीज बेसिक होगी ये आगे फिर उसकी वेस्ट पर थ्यूरी के बेसिक पर स्ट्रक्चर एंड देन कम द यूज तो दिज कंपाउंड कैन बी यूज एज नॉन एक्व सोलवेंट ऑर्गेनिक में भी इनको यूज किया जा सकता है जन कंपाउंड वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स जैसे कि सी एल एफ थ्री बी आर एफ थ्री आर यूज फॉर द प्रोडक्शनिटेंट एक्शन है question, ICL I2? तो हम बोलेंगे कि आई सी एल बॉन्ड इज मोर पोलर एंड वीकर देन आई आई बॉन्ड ठीक है बॉन्ड लेन ज्यादा है एक रीजन ये दे देंगे दूसरा रीजन दे देंगे कि यहां पर पोलॉरिटी है ठीक है बॉन्ड लेंथ आई थिंक बॉन्ड लेंथ की टर्म में मत बोलो बोलो डायरेक्टली आईसीएल बॉन्ड इज वीकर एंड इट इज मोर पोलर देन आई आई बॉन्ड इज वैट इज मोर रिएक्टिव देन कम्स द प्रॉपर्टीज जो भी हम बात कर ही रहे थे उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं देखिए पहली बात दिस कंपाउंड मे बी गैसेज लिक्विड और सॉलिड्स तो गैसे जो एनसीआरटी ने दिखा सिर्फ सीएलएफ पर देखिए सीएलएफ बी आर एफ सीएलएफ थ्री आई एफ सेवन दे आर कैसेज BrF3, BrF5, they are liquid. ICl, IBr, IF3, ICl3, they are solids. Then the interhalogens containing fluorine are आई क्योंकि वहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको एक्साइट करने के लिए दैट इज अ लिटिल हायर तो वो विजिबल रीजन में नहीं होगी वाइल इंटर हेलोजन कंसिस्टिंग ऑफ अदर हेलोजन दे आर कलर्ड और जैसे मॉलिकुलर तो वेट बढ़ता है कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है देन ऑल The interhalogen compounds are covalent and diamagnetic and boiling point in the normally थोड़ा हाई रहता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जितना ज्यादा उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करेगा ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिव increasing पोलैरिटी बिटवीन द कंबाइनिंग एलिमेंट्स थर्मल स्टेबिलिटी भी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा कंबाइनिंग हेलोजन के बीच में उतनी ही थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जैसे कि IF सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इन दोनों में हेलोजन में थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है देन बी आर एफ सी एल एफ फिर आईसीएल आई बी आर बी आर सी एल तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं बट लेस रिएक्टिव देन एफ टू जैसे कि आईसीएल प्लस टू सोडियम तो गिव एन ए आई प्लस एन एस सी एल फिर ऑर्डर ऑफ रिएविटी ऑफ सम इंटर हेलोजन इज गिवन तो याद करना हो कर सकते हो बट इतना भी जरूरी नहीं है देन ऑल ऑफ दीज अंडर गो हाइड्रोलिस यस गिविंग एक्स नेगेटिव फ्रॉम द स्मॉलर तो जो छोटा वाला हेलोजन है वो हमेशा एक्स नेगेटिव बनाएगा क्यों क्योंकि जो छोटा हेलोजन है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जैसे बी आर एफ फाइव तो बी आर एफ फाइव में जो छोटा वाला है फ्लोरिन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला था वो एक्स नेगेटिव में टूटेगा और जो बड़ा वाला हेलोजन आइटम है वो बनाएगा एक्स ओ नेगेटिव ठीक है इसको आप एक्स डैश कर लो ताकि कंफ्यूजन आ रहे है कि सेम तो नहीं है तो बड़ा वाला जो हेलोजन है दैट विल फॉर्म एक्स ओ नेगेटिव अगर ए बी है जैसे कि सी एल एफ बनाएगा एक्स डैश ओ टू नेगेटिव अगर ए बी थ्री को आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो एक्स डैश ओ थ्री नेगेटिव अगर ए बी फाइव को कर रहे हो और एक्स डैश ओ फोर नेगेटिव अगर ए बी सेवन को कर रहे हो ठीक है जैसे कि बी आर सी एल तो ये आ गया ए बी टाइप का तो इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो जो छोटा वाला था वो सी एल नेगेटिव बना दूसरा वाला ओ एक्स डैश नेगेटिव मतलब ओ बी आर नेगेटिव फिर ए बी थ्री में जो छोटा वाला है क्लोराइड ये सी एल नेगेटिव बनेगा और जो I है वो बनेगा आई ओ टू माइनस फिर आई एफ फाइव में आई ओ थ्री माइनस आई एफ सेवन में आई ओ फोर माइनस तो ये हो गया इनका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। नेक्स्ट इज द सुडो हेलोजन एंड द सुडो ये I think, में नहीं दी गया है का मतलब हुआ, ऐसे जो की तरह बिहेव करते हैं बट है। हेलाइड नहीं है तो सम इनऑर्गेनिक मोर एटम्स ऑफ विच एटलीस्ट वन इज नाइट्रोजन ठीक है तो दो से दो से ज्यादा एटम्स के कंबाइन करने से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है और उनमें से एक एटलीस्ट नाइट्रोजन होना चाहिए ठीक है दे हैव बिन फाउंड टू बिहेव लाइक तो वो हेलोजन की तरह बिहेव करते हैं इसीलिए उनको बोलते हैं सूडो हेलोजन सॉलिड्स लाइक साइनोजन सी एन ट्वाइस और एस सी एन टाइस थायोसाइनोजन और एस सी सी एन ट्वाइज सेलिनोसाइनोजन एस सी एस एन थ्री ठीक है दैट इज अजाइडो कार्बन डाइसल्फाइड इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ठीक yes. है इन जनरली यस साइनोजन इंपॉर्टेंट है थायोसाइनोजन ये आप याद कर सकते हैं दैट इज ऑल तो सिमिलरली कुछ आयन भी ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हेलोजन सॉरी हेलाइड आयन जैसी है एक्स नेगेटिव जैसी तो उनको सूडो हेलाइड आयन बोलते हैं जैसे कि साइनाइड है थायोसाइनाइट है ठीक है ये फिर साइनाइट आयन है अजाइड आयन है बस इतना याद करने की इतना याद करना काफी है तो अब इनमें से अगर हम एक को डिस्कस करें

ठीक टू PbCl2, टू ये सारे के सारे भी क्या थे ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट थे तो साइनाइड का इनके साथ जो सॉल्ट बन रहा है वो भी प्रेसिपिटेट बना रहा है तो एक ये सिमिलैरिटी आ गई सेकेंड लाइक ए जी सी एल सेकेंड लाइक ए जी सी एल एजीसीएन रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव एजी एन एस थ्री ट्वाइस वन पॉजिटिव केट तो जो आप आ, AgCl के लिए कर रहे थे सेम एजीसीएन भी वहां पर वैसे बिहेव कर रहा है देन साइनाइड फॉर्म्स न्यूमरस कॉम्प्लेक्स आयन विद ट्रांजिशन मेटल्स सिमिलर टू क्लोराइड ये जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ आएगा जैसे सी यू सी एन फोर टू नेगेटिव है तो सी यू सी एल फोर टू नेगेटिव भी है एनआईसीएन फोर टू नेगेटिव है तो एनआईसीएल फोर टू नेगेटिव भी है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इनका जो रिएक्टिविटी है वो काफी सिमिलर है हेलाइड और साइनाइड आयन का देन साइनाइड कैन बी ऑक्सीडाइज टू पेरेंट सूडो हाइलोजन ट इज साइनोजन सिमिलर टू ऑक्सीडेशन ऑफ जैसे कि आप एक्स नेगेटिव को एक्स टू में ऑक्सीडाइज कर लेते हो ठीक है आई नेगेटिव है तो उसको ऑक्सीडाइज कर लिया हमने आई टू में तो ये हेलाइड था और ये इसका हेलोजन है वैसे साइनाइड को भी इसके जो पेरेंट सूडो हेलोजन है साइनोजन उसमें ऑक्सीडाइज किया जा सकता है तो इस तरह के रिएक्शन एक और सिमिलैरिटी आ गई देन इनोजन रिएक्ट विद ओ एच नेगेटिव टू गिव सी एन नेगेटिव एंड सी एन नो नेगेटिव जस्ट लाइक एक्स टू जैसे कि आप सी एल टू प्लस ओ एच नेगेटिव डायल्यूट लेते थे तो क्या बनता था वहां पर सीएलटिव प्लस ओ सी एल नेगेटिव तो साइनाइड भी वैसा रिएक्शन दे रहा है एंड साइनोजन फॉर्म सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड वहां सूडो हेलोजन था अब यह सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड भी बनाता लाइक आई सी एन ठीक है जैसे कि हमारे पास इंटर हेलोजन था आईसीएल ये बना रहा है आई सी एन तो सिमिलैरिटीज आ गई एंड फाइनली अ क्विक रीकैप ऑफ रिएक्शन तो ये फ्लो चार्ट ऑफ रिएक्शन इसको आप नोट करके याद कर सकते हो या आपको कुछ रिएक्शन को मेमोराइज करने में हेल्प करेगा सेकेंड अनदर फ्लो चार्ट ठीक है एंड अनदर फ्लो चार्ट तो आई थिंक uh, कुछ रिएक्शन तो यहां पर आपको एटलीस्ट रिवाइज आपके हो जाएंगे तो दिस विल बी बेनिफिटिंग टू ऑल ऑफ यू अब नेक्स्ट बात स्टार्ट करते हैं नोबल गैसेस की देखिये दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये ग्लास डिस्चार्ज है ठीक है तो यहां पर जो गैस रखी गई है दैट इज आर्गन गैस तो आर्गन गैस का यह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है तो इस तरह का कलर उसका आता है तो वेरी ब्राइट कलर आपने देखा होगा कि कुछ शॉप के बाहर काफी फैंसी कलर्स में उनके शॉप का नाम लिखा रहता लाइट्स लगी रहती है फैंसी लाइट येलो पिंक ग्रीन इस तरह की तो ये जो कलर्स आते हैं ये जनरली उनमें प्रेजेंट नोबल गैसेस की वजह से होते हैं ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट नोबल गैसेस को अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में रखेंगे तब वो जो डिस्चार्ज का कलर आएगा दैट विल चेंज ठीक है तो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस कलर इज लुकिंग नाउ दिस इज फ्रॉम विकीपीडिया कलर्स एंड स्पेक्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन नोबल गैसेस ठीक है ऑल इन द सेकेंड रो रिप्रेजेंट्स प्योर गैसेज तो सेकेंड रो में यह आपके पास प्योर गैसेज है हीलियम का कुछ इस तरह का कलर रहेगा नियॉन डिफरेंट है आर्गन डिफरेंट है क्रिप्टॉन जीनॉन ठीक है तो ये आगे ट्यूब्स एंड दीज आर द डिस्चार्ज स्पेक्ट्रा हीम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन और जीनोन के बेसिकली so यहां पर जो आप कलर देख रहे हो ब्राइट ब्यूटिफुल कलर्स, द कलर ऑफ द गैस डिस्चार्ज एमिशन इट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स सिर्फ हेलोजन आपने कौन सी डाल दी है यही एक अकेला फैक्टर नहीं है करंट डेंसिटी वहां पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है टेम्परेचर गैस की प्योरिटी क्या है और मटेरियल ऑफ ट्यूब ग्लास तो है पर ग्लास के भी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है राइट right? तो अब अगर नोबल गैसेज की बात करें तो ये तो हमने सबने पढ़ा है कि नोबल गैसेज को नोबल क्यों बोलते हैं बिकॉज उनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है तो इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो हीलियम वैसे सबसे पहले डिस्कवर की गई थी 1868 में बट नॉट ऑन अर्थ ये सन से जो आने वाली रेज हैं उनके स्पेक्ट्रम को एनालाइज करके कन्फर्म हुआ था कि सन के एटमोसफेयर में हीलियम गैस है तो हीलियम डिस्कवर जब हुई तो ये सन के एटमोसफेयर में डिस्कवर हुई अर्थ में ये डिस्कवर लेट हुई थी ठीक है तो जो अर्थ पे जो पहली गैस डिस्कवर हुई दैट वाज आर्गन तो इन 1785 फर्स्ट नोबल गैस ऑन अर्थ वाज डिस्कवर्ड एंड इट वाज नेम्ड आर्गन व्हिच इज अ ग्रीक वर्ड फॉर लेजी लेजी क्यों बिकॉज़ आर्गन की जनरली टेंडेंसी नहीं है रिएक्ट करने की दैट इज व्हाई दिस नेम आर्गन इट स्टैंड्स फॉर लेजी इन द ग्रीक अब बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन तो ग्रुप एटीन कंसिस्ट ऑफ सिक्स एलिमेंट्स क्या क्या है आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन विच इज की उसकी बात नहीं करेंगे एंड ऑल दिस गैसेज एंड नॉट एंड आर ऑल दिस आर गैसेज ओके ओके ठीक है ऑल दिस आर गैसेज एंड केमिकली अनरिएक्टिव इसीलिए उनको नोबल बोलते हैं इनमें से जीनॉन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है All the noble gases except Radon, they occur in the atmosphere, their atmospheric abundance in dry air is less than 1% by volume, of which Argon is a major constituent. Helium and sometimes Neon are found in minerals of radioactive origin like pitchblende, monazite, clavite. And the main commercial source of Helium is natural gas. Okay? So, Xenon Radon are the rarest elements of the group. Radon is obtained as a decay product of Radium. तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद जितना रह जाए उतना ठीक है नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज तो आप अटोमिक रेडिस की बात करें तो इनके लिए वॉन्डर वॉल रेडिस हम डिफाइन करते हैं क्योंकि कोवलेंट रेडिस डिफाइन कर नहीं सकते क्योंकि कोवलेंट बाउंड में बनता नहीं है तो डाउन द ग्रुप जाने पे वॉन्डर रेडियस डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है तो देर इज नो एक्सेप्शन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज ही कर रही है नो एक्सेप्शन डेंसिटी अगर आप देखें तो ये भी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज ही कर रही है नो एक्सेप्शन मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज कर रहा है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज ही कर रहा है तो कोई एक्सेप्शन यहां पर नहीं है जो ट्रेंड है वो नॉर्मल वाला ट्रेंड है देन टू डेट आज तक केमिकल कंपाउंड हैव बीन आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर फॉर ओनली द थ्री हैवीएस्ट मेंबर्स जो केमिकल कंपाउंड है वो क्रिप्टॉन के बन चुके हैं जीनॉन और रेडॉन बाकी हीलियम नियॉन आर्गन इनके कंपाउंड नहीं बने ठीक है मतलब रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट नहीं हुआ हाई टेम्परेचर पे स्पेशल कंडीशन में बन सकते हैं बट रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट नहीं हुए फ्यू कंपाउंड्स ऑफ आर नोन एज हैज एन एक्सटेंसिव केमिस्ट्री जितना आप केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे वो बहुत सारे उनमें से जीनॉन के फ्लोराइड्स थे ठीक है एंड द स्टडी ऑफ रेडॉन केमिस्ट्रीज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑल द आइसोटोप्स आर हाईली रेडियक्टिव फिर बात करते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ हीलियम बहुत इंटरेस्टिंग गैस है तो इट इज स्टिल अ लिक्विड एट द लोस्ट टेम्परेचर वी कैन रीच तो हम अब तक जितना लो टेम्परेचर पे जा पाए हैं दैट इज वन कैलविन यस जीरो कैलविन इज माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस हम वन कैलविन तक जा चुके हैं एंड हीलियम इज स्टिल अ लिक्विड अभी तक सॉलिड उतने टेम्परेचर पे भी वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ ठीक है तो एट अ टेम्परेचर वन कैलविन एंड अ प्रेशर ऑफ अबाउट टू पॉइंट फाइव मेगा इज रिक्वायर्ड टू कॉज इट टू सॉलिडिफाई तो इतने लो टेम्परेचर के साथ साथ इतना हाई प्रेशर चाहिए तब जाके सॉलिडिफाई होता है तो हाउर लिक्विड ही गैस कंड पॉइंट टू कैलविन टू फॉर्म एन ऑर्डिनरी लिक्विड कॉल्ड एज हीलियम वन बट जब इसको टू पॉइंट टू कैलविन से नीचे कूल करते हैं तब इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है ठीक है एंड देन इट कॉल्ड ही टू हीलियम टू इज एन इनक्रेडिबली गुड थर्मल कंडक्टर टेन डेज टू पावर सिक्स टाइम्स ग्रेटर द बेस्ट मटेलिक कंडक्टर और उससे भी ज्यादा अमेजिंग क्या है इट्स विस्कोसिटी ड्रॉप्स टू क्लोज टू जीरो ठीक है लिक्विड है बट विस्कोसिटी ड्रॉप्स टू क्लोज टू जीरोम टू को जब प्लेस करते हैं ओपन कंटेनर में इट लिटरली क्लाइंस द वॉल्स थीके? And runs out over the edges. so Let's watch a video. What is this? It can just climb the wall. There were more surprises ahead. In the 1930s, another strange phenomenon was observed at even lower temperatures. This rapidly evaporating liquid helium cools until at two degrees above absolute zero, a dramatic transformation takes place. Suddenly, you see that the bubbling stops and that the surface of the liquid helium is completely still. The temperature is actually being lowered even further now, but nothing particularly is happening. Well, this, this is really one of the great phenomena in, in 20th century physics. The liquid helium had turned into a superfluid which displays some really odd properties. Here I have a beaker with an unglazed ceramic bottom of ultrafine porosity. Ordinarily, this container with tiny pores can hold liquid helium. But the moment the helium turns superfluid, it leaks through. We call this kind of flow a superflow. Superfluid helium can do things we might have believed impossible. It appears to defy gravity. A thin film can climb walls and escape its container. This is because a superfluid has zero viscosity. It can even produce a frictionless fountain, one that never stops flowing. Superfluidity and superconductivity were baffling concepts for scientists.

वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीक इंटर अटोमिक फोर्स इंटर मोलिक्यूलर भी नहीं बोल सकते क्योंकि मोलिक्यूल नहीं बना रहे हैं देर आर इंटर अटोमिक फोर्स बहुत वीक है केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली एनसीआरटी से ही हमें सब कुछ करना है इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं पढ़ना है तो इन जनरल नोबल कैसे लीस्ट रिएक्टिव एंड देर इनर्टनेस क्यों है इनर्टनेस क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट है एक स्टेबल कंफिग्रेशन है ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है और इसीलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब है कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है उल्टा जबरदस्त उनको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर उनसे इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है देन द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेज हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड ओकेजनली एवर सिंस देर डिस्कवरी But all the attempts to force them to react to form the compound were unsuccessful for a few years. So, March 1962, man Neil Bartlett at the University of British Columbia observed the reaction of a noble gas. So, first he prepared a red compound. This information important eh? He prepared a red compound which is formulated at O2PtF6, and he realized that the first ionization help of molecular oxygen was almost identical with that of xenon. भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुई कि पहला जो आयनाइजेशन एनर्जी है ओ टू मॉलिक्यूल का एटम का नहीं है एलिमेंट का नहीं मॉलिक्यूल का दैट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दैट ऑफ जीनॉन देन ही मेड एफर्ट्स टू प्रिपेयर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड विद जीनॉन एंड सक्सेसफुल इन प्रिपेयरिंग कंपाउंडुलीपेरिंग रेड कलर कंपाउंड एक्सी पीटीएफ सिक्स बाय मिक्सिंग पीटीएफ सिक्स एंड जीनॉन ठीक है तो फिर तो उसके बाद काफी ज्यादा कंपाउंड बना लिए गए तो इनिशियल कैसे क्या क्या बना वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उंड ऑफ क्रिप्टॉन आर फ्योर काफी कम है डाइ फ्लोराइड के आर एफ टू हैज बिन स्टीड इन डिटेल एंड कंपाउंड बट ऑनली आइडेंटिफाइडोलेट नहीं हो पाएन फ्लोरिन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड तो जीनोन फॉर्म थ्री बाइनरी फ्लोराइड एक्सीएफ टू एक्सी एफ फोर एक्सीएफ सिक्स स्ट्रक्चर्स बड़े हुए केमिकल बॉन्डीज में तो जीनोन एक्सेस अगर हम लेते हैं फ्लोरीन के साथ 673 सेवेंटी थ्री कैलविन वन बार एक्सीएफ टू वन इज फाइव की रेशियो में लेंगे तो एक्सी एफ फोर वन इंस टू ट्वेंटी की रेशियो में लेंगे तब एक्स सिक्स एंड एक्सीएफ कैन ऑस द इंटरेक्शनसीएफ एंड ओ टू एफ टू बिकॉज ओटू एफ टू इट इज़ वेरी गुड फ्लोरीनेटिंग कंपाउंड फ्लोरीनेटिंग एजेंट तो यहां पर फ्लोरीनेशन कर रहा है एक्सीएफ फोर की

एंड जीरोन फ्लोराइड रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन एक्सेप्टोन टू फॉर्म फ्लोरोन फ्लोराइड एक्सीएफ टू है तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर जैसे पी एफ फाइव है तो ये एफ नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेता है और पी एफ सिक्स वन नेगेटिव बना लेता है और एक्सीएफ टू एक एफ नेगेटिव छोड़ देगा तो बजेगा एक्सीएफ पॉजिटिव ठीक है तो ये कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनी कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन वैसे एक्सीएफ फोर प्लस एस बी एफ फाइव तो ये एस बी एफ फाइव एक एफ नेगेटिव गेन करके बनाएगा एस बी एफ सिक्स वन नेगेटिव और दूसरा कैटाइन आ जाएगा एक्सीएफ थ्री वन पॉजिटिव तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट ये है देन द ऑक्सीजन इसकी ज्योमेट्रीज अभी डिस्कस नहीं करेंगे बट ये रिएक्शन आपको सारे याद करने हैं एक्सीओ थ्री इज ए कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड पिरामिडल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है पार्शियल हाइड्रोलिस क्या दे रहा है ठीक है तो ये सारी चीजें तो आई नो इट्स टू मच टू मेमोराइज बहुत सारी चीज़ें याद करनी है आपको बट इवेंचुअली ओवर नाइट आपको एक दिन में नहीं करना है धीरे धीरे ट्राई करो कि हम आज दिन में एक पेज पे हम इतने रिएक्शन लिख के उनको सबको याद करेंगे नेक्स्ट डे उनको रिवाइज करेंगे फिर थोड़ा सा आगे का याद करेंगे धीरे धीरे कॉन्टिन्यूटी में तो एग्जाम से पहले ही आपने ये नहीं करना कि एक हफ्ता बहुत डट के आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी उसके बाद छोड़ दी कि एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करेंगे जब तक एग्जाम है तब तक उसको पढ़ते ही जाना है जब थोड़ा बहुत ही उसके टच में रहो बट इनऑर्गेनिक के टच में रहना जरूरी है अदरवाइज भूल जाएगा इवन मैं अगर कुछ महीने तक नहीं पढ़ता हूं तो बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं ठीक है तो दैट इज ऑल अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन जो आपको प्रीवियस होमवर्क प्रॉब्लम दी हैं एंड देर आर सम मोर प्रॉब्लम्स देखिए क्वेश्चन नंबर वन एंड टू देन क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर एंड फाइव देन क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एंड एट देन क्वेश्चन नंबर नाइन टेन एंड इलेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी ये बीस क्वेश्चन एडिशनल और ऊपर पाए थी मैंने पांच आठ प्रॉब्लम दी थी तो ये सारी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग तो आपको क्या करना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करो और एनसीआरटी एग्जाम बुक एंड द प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन तो दैट इज ऑल दैट कम्प्लीट पी ब्लॉक थैंक यू हैव एन आई स्टे